गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये स्पेशल इंडिपेंडेंस डे ड्रेस, जो कि एक बेबी फ्रॉक है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही सिंपल सा एक पैच है कॉलर्स के नीचे। इसमें मैंने पिंक और डार्क ग्रीन कलर का धागा यूज़ किया है। पेटल्स जो हैं वही सिंपल तरीके से बनाएंगे हम। सेंटर से हम टांका लेंगे और साइड से निकाल लेंगे और फिर दोबारा से उसी को रिपीट करेंगे, फिर सेंटर से टांका लेंगे और साइड से निकाल लेंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी पत्ती भी बना लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर एक कर्व्ड सी बेल है, उसको बनाएंगे जैसे हम पिछली वीडियोस में डंडी बनाते थे, ये बेल भी उसी तरह बनेगी। हमने बस पीछे की तरफ टांका लगाना है और जिस साइड को ये बेल की कर्व जा रही है उसी तरफ को हमने टांका लेते जाना है। अब बारी है फ्लावर्स बनाने की। सबसे पहले तो ये साइड पे छोटा सा फ्लावर है, इसको बनाते हैं। फ्लावर जो है मैंने कांच टांके से बनाया है। इसमें जो है टांका, जो पीछे वाला टांका आ रहा होता है उसको मिला के अगला टांका लेना होता है। इस ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी तो बहुत कम हुई है लेकिन जो इसका स्टिचिंग स्टाइल है और सब पर ज़्यादा मेहनत हुई है। ये वीडियो मुझे इंडिपेंडेंस डे से काफ़ी दिन पहले शेयर करनी थी बट वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला और खैर अभी भी 2 दिन रहते हैं तो मैंने सोचा कि आज ही अपलोड कर देती हूँ। और आप इसी तरह के ड्रेस किसी और कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं कैजुअल वेयर करने के लिए। फ्लावर्स कंप्लीट हैं। अब इसके अंदर जो राउंड स्पेस खाली रह गई थी उसके अंदर हम मोती टांका लगाएंगे डार्क ग्रीन कलर के धागे से। धागे को सुई के ऊपर लपेटना है और टांका लगाना है इसके अंदर। अगर एक दफ़ा टांका लगाने से स्पेस फिल नहीं होगी तो आप मज़ीद टांका लगा सकते हैं और स्पेस फिल कर दें पूरी। कैसा लगा आपको ये ड्रेस? आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस।